रहर की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान उकठा यानी जिसे हम पौधा सूखने की बीमारी भी कहते हैं उससे होता है। वैसे तो यह बीमारी कभी भी किसी भी फसल में आ सकती है, लेकिन रहर की फसल में इसका सबसे ज्यादा नुकसान सितंबर से अक्टूबर महीने यानी जब रहर में फूल निकलने की अवस्था होती है उस समय सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है। वैसे तो बीज उपचार के समय बीजामृत और ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर हमने इस बीमारी को लगने की संभावना बिल्कुल ही कम कर दी है, लेकिन अपनी रहर की फसल को और सुरक्षित रखने के लिए हमें समय समय पर जीवामृत का प्रयोग करते रहना चाहिए। जीवामृत से होने वाले फायदे क्या क्या हैं, जानना चाहेंगे आप? तो यह रहा आपके सवालों का जवाब। जीवामृत अरहर की फसल के लिए एक वरदान के रूप में होता है। गांव में उपलब्ध प्राकृतिक पदार्थों से ही एक जैविक दवा के रूप में इसका निर्माण किया जा सकता है और ये फसल में लगने वाली बीमारियों से ही सिर्फ फसल को नहीं बचाता है बल्कि फसल की वृद्धि और विकास में भी सहायक होता है। असल में ये रोगाणु नाशक होने के साथ साथ ये एक हार्मोन के रूप में भी काम करता है और फसल को वृद्धि और विकास में मदद करता है। इससे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आयरन जैसे आवश्यक अवयव पौधों को और ज़मीन को प्राप्त होते हैं जो फसल को और अच्छा बनाते हैं, उपज और अच्छी हो सकती है। एक एकड़ की फसल में एक बार प्रयोग करने के लिए हमें 150 से 200 लीटर जीवामृत की ज़रूरत होती है और जिस दिन हमने जीवामृत बनाना शुरू किया उससे 9वें दिन जीवामृत का प्रयोग सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। वैसे जीवामृत का प्रयोग के तो कई तरीके हैं, लेकिन रहर की फसल में उकठा रोग के प्रबंधन के लिए इसका प्रयोग हम रहर की जड़ों में डालकर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि दीदी लोग रहर की फसल में जीवामृत का प्रयोग कैसे कर रही हैं। हर पौधा में 100 मिलीलीटर जीवामृत डालना है और डालने के पहले आसपास की मिट्टी को भुरभुरा कर देना है। ऐसा इसलिए कि पौधा के जड़ में ये जीवामृत पहुँच जाए और इसको शाम को समय में दिया जाता है ताकि वह सुबह तक पूरा असर हो जाए। दीदी, और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवामृत डालने से पहले मिट्टी में नमी होना चाहिए। इसका मतलब दीदी, रहर की खेती में बारिश के हिसाब से ही जीवामृत डालना है क्या? हाँ दीदी, ऐसा इसलिए कि सूखा में अगर जीवामृत को डालेंगे तो पौधा को पूरा फायदा नहीं मिलेगा। दीदी, जीवामृत को पौधे में एक ही बार डालना है क्या? दीदी, जब आपका पौधा 110 दिन का हो जाएगा तो हर 20 दिन में 4 बार जीवामृत डालना है। अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि जीवामृत बिल्कुल अपने नाम की तरह पौधों के लिए अमृत के समान होता है। तो आप भी अपने रहर के पौधों को इस अमृत यानी जीवामृत से वंचित मत रखिएगा।